रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की 47वीं एनुअल जनरल मीटिंग में कई बड़े ऐलान किए हैं। मुकेश अंबानी ने दावा किया है कि 2 साल में जियो से 13 करोड़ ग्राहक जुड़े हैं। रिलायंस एआई के क्षेत्र में नई पहल करने जा रहा है, ये खास रिपोर्ट देखिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की 47वीं एनुअल जनरल मीटिंग में ग्रुप की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का ऐलान किया। शेयर धारकों को संबोधित करते हुए मुकेश अंबानी ने ये भी बताया कि वो शेयर धारकों को बोनस शेयर देने पर भी विचार कर रहे हैं। एनुअल जनरल मीटिंग में मुकेश अंबानी ने एक के बाद एक कई ऐलान किए। मुकेश अंबानी ने जियो एआई क्लाउड वेलकम ऑफर शुरू करने का ऐलान किया। ये ऑफर इस साल दिवाली में शुरू होगा। इसमें जियो यूजर्स को 100 GB तक मुफ्त क्लाउड स्टोरेज मिलेगा। जियो ऑप्टिकल फाइबर के यूजर्स की जानकारी देते हुए मुकेश अंबानी ने बताया कि 6 महीने में 10 लाख से ज्यादा ग्राहक जियो फाइबर से जुड़े हैं। 5G ग्राहकों के बारे में कंपनी ने बताया कि 2 साल में जियो से 13 करोड़ ग्राहक जुड़े हैं। वहीं 8 साल में जियो दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल डेटा कंपनी बन गई है। वर्तमान में जियो के सदस्यों की संख्या 490 मिलियन से ज्यादा है। एआई सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए कंपनी जियो ब्रेन के नाम से एआई प्लेटफॉर्म ला रही है। इसके अलावा कंपनी गुजरात के जामनगर में एआई डेटा सेंटर बनाएगी जो ग्रीन एनर्जी से लैस होगा। डिज्नी के साथ हुई पार्टनरशिप को लेकर मुकेश अंबानी ने बताया कि ये एंटरटेनमेंट सेक्टर में नए युग की शुरुआत करेगा। रिलायंस ने 100% स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जियो TVOS भी लॉन्च किया है। कंपनी ने जियो फोन कॉल AI भी पेश किया। इस फीचर से यूजर्स आसानी से AI का इस्तेमाल करके किसी कॉल को रिकॉर्ड और स्टोर कर सकते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग में मुकेश अंबानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लगातार 3री बार प्रधानमंत्री बनने के लिए बधाई भी दी और कहा कि इससे देश में स्थिरता का माहौल बना है जो औद्योगिक तरक्की के लिए भी फायदेमंद होगा। Our visionary Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, for winning a third consecutive term. The 2024 parliamentary elections have produced a resounding victory for stability, continuity, and above all, for India's vibrant democracy. This has enhanced India's reputation globally, and it augurs well for the growth prospects of our economy. मुकेश अंबानी ने अपने संबोधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्व पर बहुत ज्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा कि AI हमारे भविष्य के लिए बहुत अहम है और कठिन चुनौतियों से निपटने में हमारी मदद कर सकता है। उन्होंने बताया कि ये तकनीकी बदलाव वास्तव में विकास को गति देगा और आने वाले वर्षों में कंपनी के मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।